सपा ग्रामीण चौकीदारों की मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर दूसरे दिन पड़ाव समाप्त हुआ। जिला उपायुक्त को मार्गों का ज्ञापन सौंपकर दो दिवसीय धरना समाप्त किया गया। उपायुक्त भिवानी ने लोकल समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। यूनियन नेताओं ने कहा, ग्रामीण चौकीदारों की मांगों का जल्द समाधान न करने पर प्रदेश स्तर पर बैठक कर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, लेकिन जनता को राहत देने के बजाय भाजपा सरकार द्वारा देश के संसाधनों, सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। जोर जोर तो लगा रोटी कौन खाई ठीक है। हमारी मांग है, जब तक चौकीदारों को चौथे दर्जे का कर्मचारी घोषित न किया जाए तब तक 24,000 रुपये मानदेय दिया जाए, और जो मुनादी भत्ता है 2011 से लेकर 2015 तक बाकी है वो दिया जाए। अगर ये जो हम आज हमें डी साहब को ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन के तहत कोई भी अगर कार्रवाई नहीं करती हुई सरकार, तो हम जल्द ही बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। जम्मू कश्मीर में अचानक